Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th Semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will discuss about the lecture number 3, that is Gear Manufacturing Methods. Summary of previous lecture. In previous lecture, we learn about the फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू गियर, इसमें हमने गियर के बारे में डिस्कस किया था. सेकंड वन फंक्शंस ऑफ गियर, इसमें हमने वेरियस फंक्शंस ऑफ गियर के बारे में डिस्कस किया था. थर्ड वन क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, इसमें हमने वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ गियर के बारे में डिस्कस किया था. फोर्थ वन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव, हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव के बारे में डिस्कस किया था. एंड लास्टली हमने गियर मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स लगते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर उसके बारे में डिस्कस किया था. लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस टॉपिक दैट इज गियर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर लर्नर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड different types of gear manufacturing methods. Program outcomes which can be achieved by means of this topic are given in the table listed below. Gear manufacturing methods. The different methods of manufacturing of gear are classified below. First method is casting, second one is a stamping process, third one is a rolling process, फोर्थ वन इज अ पाउडर मेटलर्जी टेक्निक प्रोसेस, फिफ्थ वन इज अ एक्सट्रूजन प्रोसेस, सिक्स्थ वन इज अ प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस, सेवंथ वन इज अ मशीनिंग प्रोसेस. मशीनिंग प्रोसेस फर्दर क्लासिफाइड एज फॉर्मिंग मेथड प्रोसेस, टेम्पलेट मेथड प्रोसेस एंड जनरेटिंग मेथड प्रोसेस. फॉर्मिंग मेथड में सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑन अ शेपिंग एंड प्लेनर मशीन, सेकंड है ऑन मिलिंग मशीन एंड थर्ड है ऑन ब्रोचिंग मशीन. सेकंड टाइप इज टेम्पलेट मेथड एंड थर्ड वन इज अ जनरेटिंग मेथड. जनरेटिंग मेथड में पहला टाइप है गियर शेपिंग मशीन, गियर हॉबिंग मशीन प्रोसेस, गियर प्लानिंग मशीन प्रोसेस एंड बीवेल गियर जनरेशन मेथड प्रोसेस. दीज मेथड्स आर वी डिस्कस वन बाय वन. कास्टिंग. Casting is the process of pouring a molten metal into the mold cavity. After solidification, an object is obtained is known as casting component. Casting process already हमने fourth semester of manufacturing process में पढ़ा था. Casting एक ऐसा process है जिसमें हम liquid और molten metal को mold cavity में pour और fill करते हैं. Pour करने के बाद liquid metal को cool और solidify करते हैं. After that जो सॉलिड कंपोनेंट मिलता है उसको हम कास्टिंग कंपोनेंट बोलते हैं. जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले जो मोल्ड बॉक्स रहता है उसमें सैंड फिल करते हैं, उसके बाद पैटर्न, यहाँ पे हमने पैटर्न रखा है और पैटर्न के अंदर हमने कोर रखा है. जो शेप एंड साइज का मुझे गियर बनाना है वही सेम एंड साइज का, शेप एंड साइज का हम पहले पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न को मोल्ड बॉक्स के अंदर फिट करते हैं एंड आफ्टर दैट मोल्टन मेटल और लिक्विड मेटल को यहाँ पे फिल करते हैं. फिल करने के बाद उसको सॉलिडिफाई करते हैं और बाद में जो कंपोनेंट मिलता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन उसको हम बोल सकते हैं कास्टिंग कंपोनेंट. इट इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग गियर्स वेयर इकोनॉमी इज द मेन क्राइटेरिया. कास्टिंग प्रोसेस एक चीपेस्ट मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गियर्स. यूजुअली हेवी गियर्स आर मेड बाय दिस प्रोसेस. जो गियर्स हेवी रहते हैं या लार्ज साइज के गियर रहते हैं वो जनरली कास्टिंग मेथड से बनाते हैं. दे आर जनरली यूज फॉर स्लो स्पीड ड्राइव. जहां पे मोशन स्लो होता है इन दैट केस जो भी लार्जर साइज के गियर रहते हैं वो कास्टिंग मेथड से बनाते हैं. कास्ट आयरन गियर्स आर यूज इन ग्राइंडिंग मिल्स, शुगर केन क्रशर्स, पावर मिल्स, रिफाइनिंग मशीन्स. ग्राइंडिंग मिल्स हो गया, शुगर केन क्रशर्स में जो
गियर्स यूज करते हैं या पावर मिल्स में या रिफाइनिंग मशीन में जो गियर्स यूज करते हैं जनरली वो कास्ट आयरन मटेरियल के रहते हैं। सेकंड प्रोसेस है स्टैंपिंग प्रोसेस। स्टैंपिंग इज डन बाय पंच एंड डाई विद द हेल्प ऑफ पावर प्रेस। जैसा कि फिगर में शो किया है, दिस आर द प्रेस मशीन। प्रेस मशीन में जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो है अपर पोर्शन में जो रहता है वो उसको बोलते हैं पंच एंड बॉटम पोर्शन जो रहता है उसको बोलते हैं डाई। जो पंच रहता है इसमें सबसे पहले जो शेप एंड साइज का हमें गियर बनाना है उसका इंप्रेशन फॉर्म करते हैं और यहाँ से शीट मेटल पास करते हैं। जैसे ही शीट मेटल यहाँ से पास होता है तो यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेशर पंच को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो पंच का इंप्रेशन है वो फॉर्म होता है ऑन दैट शीट मेटल एंड गियर कैन बी मैन्युफैक्चर। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड थिन गियर्स। स्टैंपिंग प्रोसेस मास प्रोडक्शन में जहां पे स्मॉल एंड थिन गियर बनाते हैं वहां पे जनरली यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल शीट अप टू अ थिकनेस 3 mm इज यूज। जो शीट मेटल यहां पे यूज करते हैं उसका थिकनेस जनरली 3 mm तक रहता है। इट गिव्स हाई एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। स्टैंपिंग प्रोसेस में जो गियर फॉर्म होते हैं उसका एक्यूरेसी हाई रहता है एंड सरफेस फिनिश भी बेटर रहता है देन अदर गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। गियर्स यूज इन टॉयज वॉचेस क्लॉक एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड्स। जो गियर्स हम वॉचेस में यूज करते हैं क्लॉक में यूज करते हैं वो जो रहते हैं शीट मेटल के रहते हैं वो हम जनरली प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ स्टैंपिंग मेथड। नेक्स्ट प्रोसेस है रोलिंग प्रोसेस। बोथ हॉट एंड कोल्ड रोलिंग प्रोसेस आर यूज टू मेक गियर्स। हॉट रोलिंग प्रोसेस में मटेरियल को अबो रिकिस्टर्न टेम्परेचर पे हीट करते हैं और कोल्ड रोलिंग प्रोसेस में मटेरियल को बिलो रिकिस्टर्न टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग के बारे में हमने 4th सेम में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था। इन हॉट रोलिंग गियर ब्लैंक इज रोल अगेंस्ट अ मास्टर गियर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड टीथ ऑन इट्स पेरिफेरी। बोथ आर रोल टुगेदर टिल द फोर्स बिटवीन देम मेक्स द मेटल टू फ्लो टू ऑब्टेन द शेप एंड साइज ऑफ द टीथ ऑफ द मास्टर गियर। द टीथ्स आर फाइनली फिनिश्ड बाय मशीनिंग। रोलिंग प्रोसेस में गियर ब्लैंक को रोटेट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे दो मास्टर गियर लगे हैं जो कि सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, जिसके पेरिफेरी के ऊपर टीथ फॉर्म किए हैं। मास्टर गियर के पेरिफेरी के ऊपर टीथ फॉर्म किए, जो टीथ मास्टर गियर के ऊपर फॉर्म होते हैं सेम टीथ कैन बी जनरेटेड ऑन दैट गियर ब्लैंक। द कोल्ड रोलिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू हॉट रोलिंग बट रिक्वायर्स हाई प्रेशर। कोल्ड रोलिंग प्रोसेस में भी हम गियर बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से कोल्ड रोलिंग कर सकते हैं, बट जो प्रेशर लगता है कोल्ड रोलिंग प्रोसेस पे वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू हॉट रोलिंग प्रोसेस। हॉट रोलिंग प्रोसेस में जो मटेरियल और ब्लैंक हम यूज करते हैं वो हीटेड रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है हीटेड ब्लैंक का, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगता है कम लगता है एज कम्पेयर टू कोल्ड रोलिंग प्रोसेस। 4th प्रोसेस है पाउडर मेटलर्जी टेक्निक प्रोसेस। जैसा कि नाम सजेस्ट किया है पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस में मेटल पाउडर का यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स। स्मॉल साइज हाई क्वालिटी एक्सटर्नल और इंटरनल स्पर बीवेल और स्पाइरल गियर्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। पाउडर मेटलर्जी इज अ फैब्रिकेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स 3 मेजर प्रोसेसिंग स्टेजेस। पहला स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ मेटल पाउडर। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक में सबसे पहले पाउडर को प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड स्टेज है कॉम्पैक्शन एंड शेपिंग ऑफ द पाउडर। जो पाउडर प्रोड्यूस करते हैं उसको बाद में पर्टिकुलर डाई में कॉम्पैक्ट करते हैं। थर्ड स्टेज इज कंसोलिडेशन एंड फ्यूजिंग ऑफ द पाउडर इन टू अ सॉलिड मेटल कंपोनेंट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
जो पाउडर को पर्टिकुलर डाई में कॉम्पैक्ट करते हैं उसको बाद में सेंटरिंग प्रोसेस से उसको हीट करते हैं एंड हीट करने के बाद उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं विदाउट मेल्टिंग दैट पाउडर एंड गियर कैन बी मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट प्रोसेस है एक्सट्रूजन प्रोसेस। इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल साइज गियर्स फ्रॉम मटेरियल्स लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। एक्सट्रूजन प्रोसेस स्मॉल गियर प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम द मटेरियल लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। इन दिस प्रोसेस हीटेड गियर ब्लैम इज प्लेस इनसाइड द सिलेंडर एंड प्रेस फ्रॉम वन एंड विथ अ रैम। एक्सट्रूजन प्रोसेस में सबसे पहले कंटेनर और सिलेंडर के अंदर हॉट मेटल बिलेट को प्लेस करते हैं, उसके बाद उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड जो ओपनिंग रहेगा यहाँ से मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम दैट डाई। जो शेप एंड साइज डाई का रहेगा वही शेप एंड साइज प्रोड्यूस होता है ऑन दैट मेटल बिलेट। द अदर एंड कैरीज अ डाई सिमिलर टू द शेप ऑफ द रिक्वायर्ड गियर। जो शेप एंड साइज का गियर बनाना है वही शेप एंड साइज का सबसे पहले डाई यहाँ पे फॉर्म करना पड़ता है। ऑन प्रोसेसिंग द गियर कम्स आउट ऑफ द डाई, इट इज देन फिनिश टू साइज। लास्टली उसको फिनिश करते हैं बाय मीन्स ऑफ अ ग्राइंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज प्लास्टिक मोल्डिंग। इन प्लास्टिक मोल्डिंग गियर्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग इंजेक्शन मोल्डिंग और कॉम्प्रेशन मोल्डिंग। प्लास्टिक मटेरियल के गियर हम इंजेक्शन मोल्डिंग और कॉम्प्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। जैसा कि फिगर में यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग का डायग्राम शो किया है। इंजेक्शन मोल्डिंग में जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो जनरली हॉपर रहता है, स्क्रू फीडर रहता है, हीटर लगे रहते हैं यहाँ पे मोल्ड कैविटी दिया है और हाइड्रोलिक सिस्टम भी यहाँ पे लगाया है। इंजेक्शन मोल्डिंग में सबसे पहले हॉपर के थ्रू प्लास्टिक ग्रैनुल्स कम्स इनटू दैट चेंबर में आता है, उसके बाद उसको हीट करते हैं, हीट होने के बाद वो प्लास्टिसाइज हो जाएगा, उसके बाद उसको स्क्रू फीडर से रोटेट करते हैं और धीरे धीरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर रहता है, सम सफिशियंट अमाउंट ऑफ मटेरियल प्लास्टिक ग्रैनुल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे ही सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक ग्रैनुल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं तो यहाँ पे रैम के थ्रू प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ से इंजेक्ट होता है प्लास्टिक ग्रैनुल्स इनटू द मोल्ड। जो शेप एंड साइज का हमारा मोल्ड रहेगा सेम साइज का हमारा कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस होता है बाय मीन्स ऑफ अ इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले मोल्ड बनाना पड़ेगा, जो शेप एंड साइज का गियर बनाना है उसका मोल्ड बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फिर प्लास्टिक ग्रैनुल्स धीरे धीरे यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जो कंपोनेंट फॉर्म होता है वो इन द फॉर्म ऑफ गियर होता है। दीज आर वेरी लाइट वेट गियर्स यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वेरी लो अमाउंट ऑफ पावर। जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल से गियर फॉर्म करने के लिए हम कॉम्प्रेशन मोल्डिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज करते हैं तो ये लाइट वेट गियर फॉर्म कर सकते हैं। नॉन फेरस मेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर गियर मेकिंग बाय प्लास्टिक मोल्डिंग मेथड्स। प्लास्टिक मोल्डिंग मेथड में हम जो रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं या नॉन फेरस मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वो भी मटेरियल से हम गियर बना सकते हैं बाय मीन्स ऑफ प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग मीन्स अनवांटेड मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम वर्कपीस टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। मशीनिंग मीन्स होता है अनवांटेड मटेरियल को हम गियर ब्लैंक के ऊपर से रिमूव करते हैं टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग। गियर ब्लैंक ऑफ एक्यूरेट साइज एंड शेप इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय कटिंग इट फ्रॉम मेटल स्टॉक। सबसे पहले जो गियर ब्लैंक है जो सर्कुलर शेप में रहता है सबसे पहले उसको कट करना पड़ेगा फ्रॉम मेटल स्टॉक। गियर इज प्रिपेयर बाय कटिंग वन बाय वन टूथ इन द गियर ब्लैंक ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज अलॉन्ग इट्स पेरीफेरी। उसके बाद गियर ब्लैंक को कट करने के बाद उस गियर ब्लैंक के पेरीफेरी के ऊपर वन बाय वन टूथ फॉर्म करना पड़ता है टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। इन दिस मेथड द मेटल इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। यहाँ पे अनवांटेड मटेरियल को हम रिमूव कर रहे हैं तो जो मटेरियल रिमूव होता है मशीनिंग प्रोसेस में वो इन द फॉर्म ऑफ चिप्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनिंग ऑन शेपर, प्लेनर, मिलिंग, ब्रोचिंग, गियर हॉबिंग,
एंड गियर शेपिंग मशीन। गियर हम शेपर मशीन पे भी बना सकते हैं, प्लेनर मशीन पे भी गियर बना सकते हैं, मिलिंग मशीन में भी हम गियर बना सकते हैं, ब्रोचिंग मेथड से भी हम गियर बना सकते हैं, गियर हॉबिंग जनरेटिंग मेथड और गियर शेपिंग मशीन से भी हम गियर बना सकते हैं। यूनिट आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक दैट इज गियर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आर एक्सप्लेन विथ स्केचेस प्रोसीजर ऑफ द गिवन गियर मैन्युफैक्चरिंग। रिव्यू ऑफ टूडेज लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हमने कास्टिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्टैम्पिंग, रोलिंग, पाउडर मेटलर्जी, एक्सट्रूजन, प्लास्टिक मोल्डिंग एंड लास्टली हमने मशीनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव थ्रू दिस टॉपिक आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आस्क इन द MSBT एग्जामिनेशन आर फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द डिफरेंट मेथड्स ऑफ गियर मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कास्टिंग, स्टैम्पिंग एंड रोलिंग प्रोसेस। ये दो क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द गियर जनरेटिंग मेथड दैट इज गियर हॉबिंग प्रोसेस। गियर हॉबिंग प्रोसेस इज ऑल्सो अ मशीनिंग प्रोसेस।